हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे किचन में। और मैं हूँ शोएब रावत और स्वागत करता हूँ आप सभी सभी का एक बार फिर से मास्टर शेफ पहाड़ी ब्लॉग में। सो गाइस, आज मैं बनाऊंगा और मैं दिखाऊंगा आपको कि वेज हाका नूडल्स कैसे बनाया जाता है। सो गाइस, बने रहे मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगने वाले हैं अपने को। तो यहाँ पे मैंने दो कैप्सिकम ले रखे हैं, उसी के साथ मैं यहाँ पे दो प्याज लूँगा छोटे छोटे, और साथ में ये हरा प्याज, इसको स्प्रिंग ऑनियन भी बोलते हैं फ्रेंड्स, साथ में एक छोटा सा गाजर और ये हला और पीला, लाल और पीला कैप्सिकम भी है, हरी मिर्ची है, बीन्स है और एक कुछ लहसुन की कलियाँ फ्रेंड्स, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी लिया है मैंने। तो चलिए सबसे पहले सभी सब्जियों का कटिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जिंजर और गार्लिक को चॉप करेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करना है फ्रेंड्स इस तरीके से। वीडियो थोड़ा लंबे बनने वाला है फ्रेंड्स, लेकिन चाइनीज़ में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम जाता है वो कटिंग में ही जाता है फ्रेंड्स। तो बने रहिए मेरे साथ, ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी होने वाली है और आप आसानी से होटल जैसा या फिर रेस्टोरेंट जैसा जो वेज हाका नूडल्स है आप आसानी से इस तरीके से बनाएंगे तो आप घर पे आसानी से बना सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक को बिल्कुल चॉप कर लिया है और इसको अब एक दूसरे प्लेट में निकाल देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से आपने निकाल देना है। इसी तरह से हमें प्याज को इस तरह से काटना है और इसको भी हमने लंबे लंबे चॉप काट देना है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने चॉप कर देना है। और थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा तो चलेगा, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से काटना है फ्रेंड्स। चाइनीज का डिश, कोई भी डिश बनाने के लिए आपको सबसे पहले कटिंग आना ज़रूरी है फ्रेंड्स। इस तरह से आप काटेंगे तो आसानी से भी कटेगा और बिल्कुल ध्यान से कटेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लाल जो कैप्सिकम है मेरे पास थोड़ा सा आधा लिया है मैंने, इसको भी लंबा लंबा पतला काट लेंगे। साथ में जो ये पीला जो कैप्सिकम है आधा, उसको भी इस तरह से काट लेना फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। साथ में जो ये ग्रीन कैप्सिकम है मेरे पास, मैंने दो ले रखे थे, इसको इस तरह से काटेंगे और इस तरह से साफ कर देना है, इसको भी लंबा लंबा स्लाइस में काटना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल रेसिपी रहती है मेरी, ज़्यादा कुछ झंझट रहता नहीं है फ्रेंड्स, तो आप आसानी से बना सकते हो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज हाका नूडल्स। तो गाजर को हम दो भागों में काट लेंगे और फिर इस तरह से पतला पतला स्लाइस काट लेना है, लेकिन ध्यान रहे हाथ को भी थोड़ा बचा के रखना है फ्रेंड्स। अब हम इस स्लाइस को अब लंबा लंबा पतला काट लेंगे, बिल्कुल नूडल्स के शेप में फ्रेंड्स, इस तरह से आप बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो गाजर है, आधा गाजर लिया है मैंने, तो ये बिल्कुल काट के तैयार हो चुका है। और नूडल्स का मेरे पास दो पैकेट है, तो मैं दो पैकेट के हिसाब से मैं ये सब्जियां काट रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये फ्रांस बीन है, आपने इस तरह से लंबे लंबे काटना है, इस तरह से तिरछे तिरछे हिसाब से, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और जल्दी पक भी जाए फ्रेंड्स। तो बीन्स भी हमारे बिल्कुल काट के रेडी हो चुके हैं। और अब हम जो ये कम तीखा वाला मिर्ची है, इसको हम बिल्कुल लंबे लंबे पतला काटना है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने मिर्ची भी इस तरह से काट देना है, इसको भी हम अलग अलग लेंगे। और अब है हमारे पास ये स्प्रिंग ऑनियन। तो ऑनियन जो स्प्रिंग ऑनियन का जो ये प्याज रहता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी रहता है, आप चाहे तो इसको सैलेड के रूप में भी ऐसे भी खा सकते हो और बहुत ही हेल्दी भी रहता है फ्रेंड्स। इस तरह से हम काट लेंगे इस प्याज को भी
और अब स्प्रिंग ऑनियन को हमें इस शेप में काटना है। चाहे तो आप गोल भी काट सकते हो, चाहे तो आप लंबे भी काट सकते हो फ्रेंड्स। इस तरह से हाथ को भी बचा के रखना है और इस तरह से काट लेना है फ्रेंड्स, आराम आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप कि सब लगभग सभी सब्जियां, सभी जो भाजियां हैं जो लगने वाली है हमें, वो हमने काट के रख लिया है। अब हम यहाँ पे जो नूडल्स के जो पैकेट हैं, ये मेरे पास दो हाका नूडल्स है, वेज हाका नूडल्स जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो एक बर्तन लेना है, चाहे तो आप कढ़ाई ले सकते हो या कोई भी प्लेट भी ले सकते हो। तो इसमें निकालना है और इसको इस तरह से तोड़ना है फ्रेंड्स। ज़्यादा बारीक भी नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो फिर नूडल्स बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे और वो अच्छे भी नहीं लगते दिखने में भी और खाने में भी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो गैस हम कर लेंगे ऑन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कम से कम 4 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है और 1 चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे ताकि उबलते हुए जो नूडल्स है वो आपस में चिपके नहीं। तो इस पानी को अच्छी तरह से उबाल देना है और 1/2 चम्मच हमें इसमें नमक डाल देना है। इसको अच्छी तरह से उबाल देना है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप कि पानी अच्छी तरह से उबल चुका है। और हाका नूडल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि इसको कम से कम ये 3 या 4 मिनट में पक जाता है। तो आपको इसको बराबर इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर ना तो ज़्यादा पकना चाहिए और ना ही इसको कम पकाना है, बिल्कुल परफेक्ट पकाना है इसको। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 मिनट में, 3 नहीं तो 3.5 मिनट में हमें इसको निकाल देना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर थोड़ा सा भी 1 मिनट अगर ज़्यादा पक गया तो ये फिर इतना अच्छा नहीं बनेगा फ्रेंड, और एकदम चिपक जाएगा, एक जगह पे सिमट जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। तो ये हाका नूडल्स बिल्कुल हमारा 3 मिनट हो चुके हैं और ये 3 मिनट बाद अब हम इसको छान लेंगे। छान के हम इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल देंगे या फिर छन्नी में निकाल देंगे, जो भी आपके पास छन्नी है, प्लास्टिक की छन्नी हो या फिर, तो मेरे पास ये छन्नी है तो मैंने इस प्लास्टिक की छन्नी में इसको निकाल दिया है। और अब मैं इस थोड़ा सा इस तरह से तेल लेना है और इस नूडल्स को इस तरह से मिक्स करते रहना है फ्रेंड। इससे क्या होता है कि नूडल्स पकने के बाद जो हम छानते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपस में चिपक जाते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा तेल लगाएंगे हाथ पे तो ये चिपकेगा नहीं फ्रेंड्स, चाहे तो आप 1 घंटा या 2 घंटे भी रख सकते हो। तो नूडल्स बनाने के लिए मेरे पास ये बड़ा वाला कढ़ाई लिया है मैंने, इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगा और गैस को ऑन कर लेंगे। साथ में मैं सोया सॉस यूज करने वाला हूँ, ये विनीगर है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास हाका नूडल्स मसाला भी है फ्रेंड्स। ज़्यादा मसाला का हम यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और मुझे पूरा आशा है कि, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और सामने वाली जो बेल आइकॉन है उसे दबा देना ताकि आने वाली जो नई रेसिपीज़ है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइस, देख सकते हैं आप कि तेल गरम होने वाला है। तो जैसे ही तेल गरम होता है तो ये देख सकते हैं मैंने सब सब्जी एक प्लेट में इस हिसाब से काट लिया है। तो आप भी इस तरह से एक प्लेट में सब्जियां काट सकते हो और रख सकते हो फ्रेंड्स। तो ये तेल भी हमारा गरम हो चुका है, तो अब सबसे पहले जिंजर और जो गार्लिक हमने जो चॉप्ड किया था इसको इसके ऊपर डाल देंगे। इसको अब हल्के हाथ से मिक्स करते रहना है, इस तरह से हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे नहीं तो फिर कड़वापन आ जाएगा फ्रेंड्स। साथ में हम डालेंगे इसमें जो स्लाइस जो प्याज हमने काटा हुआ था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे।
इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। साथ में हम डालेंगे अब बीन्स, और बीन्स के साथ ही मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे गाजर। थोड़ा सा गाजर मैं जो सब्जियाँ हैं वो मैं बाद के लिए भी बचा के रखूँगा। साथ में कैप्सिकम भी हम डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा मैंने बचा के भी रखा हुआ है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में ऊपर से भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो गैस को हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है। तो ये जो सभी भाजियां हैं, जो सब्जियां हैं, कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमें इस तरह से फ्राई करना है फ्रेंड्स। और चाइनीज़ में क्या होता है कि ना तो ज़्यादा पकना चाहिए सब्ज़ी और ना ही कच्चा रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप लगभग 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से मैं इसमें आधा चम्मच नमक डालूँगा। आप चाहे तो क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हो। साथ में डालूँगा मैं 1 चम्मच सोया सॉस, थोड़ा सा हम इसमें विनेगर डालेंगे। अब इसको हमें ये जो मसाला है इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये जो हाका नूडल्स मसाला है वो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो आप ज़रूर ख़रीद कर रखिएगा। जब भी फ्राइड राइस या फिर हाका नूडल्स है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो सोया सॉस के साथ सभी भाजियों को, ये सब्जियों को मिक्स कर देना है इस तरह से। इसको भी कम से कम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से पकाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो हमने नूडल्स पका के रखे हुए थे, अब हम इसमें सभी नूडल्स इस तरह से डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये चिपका हुए नहीं है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अलग अलग हो रखे हैं। साथ में हम डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन थोड़ा सा, और अब हम गैस को कर देंगे हाई फ्लेम पे इस तरह से। जो बाकियां सब्जियां हैं वो भी हम इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। अब हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सोया सॉस, विनेगर और जो हाका नूडल्स मसाला हमने डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास नॉनस्टिक का भी कढ़ाई है तो आप नॉनस्टिक का कढ़ाई में भी बना सकते हो, नहीं तो फिर आप एक बड़ी कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में भी इस तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स। किसी कढ़ाई में भी बनाइए आप, लेकिन जो खाने का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी भी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप मिक्स करने के बाद इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो चुका है, और अब हम इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको ढक के रख देंगे। 2-3 मिनट होने के बाद वापस हम इसको मिक्स करते रहेंगे। इस तरह से आपने एक कांटे के सहारे और एक चम्मच के सहारे इसको मिक्स करते रहना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत है कि नहीं है। ये देख सकते हैं आप, सो फ्रेंड्स कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आ रहा है इसका। और ये देख सकते हैं आप, स्प्रिंग ऑनियन हम थोड़ा सा और डाल देंगे इसके ऊपर, और वापस
हम 2 मिनट के लिए इसको रख देंगे ढक के। 2 मिनट होने के बाद ये देख सकते हैं आप, अब हम एक डिश में या फिर एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो इसके साथ चिकन मंचूरियन या फिर वेज मंचूरियन या कोई ग्रेवी भी बना सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना और आगे भी फॉरवर्ड कर देना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए सामने वाला जो बेल आइकॉन है उसे दबा देना, ताकि जो आने वाली नई रेसिपीज़ है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस तरह से आपने फिर स्प्रिंग ऑनियन के साथ इसको सर्व कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।